सीढ़ियां चढ़ते हुए ध्रुव को बिल्लियों की तेज आवाज सुनाई देती है जो नैना के ऑफिस के पास से आ रही थी। उसे फॉलो करता हुआ वो आगे बढ़ता है। ध्रुव सीढ़ियां चढ़कर कॉरिडोर में पहुंचता है जो एकदम सुनसान था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे नजर आता है कि दूर कोने में डरी हुई नैना को बहुत सी भयानक बिल्लियों ने घेर रखा है। आखिर में खड़ी नैना इतना डर गई थी कि उससे वहां से हिला भी नहीं जा रहा था। वो कोने में खड़ी कांप रही थी। तुम सब दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ, हटो हटो, नैना चिल्लाई। ध्रुव के आते ही नैना को घेरे खड़ी सारी बिल्लियां अंधेरे में कहीं गायब हो जाती हैं। ये बात बहुत अजीब थी कि रात के इस वक्त इतनी सारी बिल्लियां वहां आई कहां से, वो भी हॉस्पिटल के इस फ्लोर पर। ध्रुव ने नैना को डरा हुआ देखा तो वो बिना कुछ सोचे दौड़कर नैना के पास आया और उसे शांत कराने के लिए अपना कोट उतारकर उसकी तरफ बढ़ाता है। अंधेरे में अपने पास किसी चीज को आते देख नैना डर से चीखती है, आह दूर हो जाओ। ध्रुव समझ गया था कि नैना डरी हुई है, इसलिए वो धीरे से उसे कोट पहनाता हुआ कहता है, डरो मत नैना, मैं हूँ ध्रुव। इस भयानक माहौल में ध्रुव की आवाज सुनकर नैना को यकीन नहीं होता। वो अपनी कांपती आंखों को बड़ा कर उसे देखती है। ये रियलाइज होने के बाद कि ये ध्रुव ही है, नैना तुरंत अपने हाथ से उसे इशारा करती है। ध्रुव झट से उसके हाथ पकड़ता हुआ उसे रिलैक्स फील कराने की कोशिश करता है। ध्रुव के हाथ देते ही नैना झटके से उसे अपने पास खींचकर उसकी बाहों में समा जाती है, जैसे वो उसके सीने में समा जाना चाहती हो। और फिर वो कांपती आवाज में कहती है, तुम आ गए, यहाँ इतनी सारी बिल्लियां, मुझे अकेला मत छोड़ना। नैना ने ध्रुव को इतनी टाइट जकड़ लिया था कि ध्रुव ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो प्यार से नैना के हाथों को हटाता हुआ कहता है, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। ये कहते हुए वो उसे अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ निकल जाता है। पार्किंग लॉट में पहुंचकर ध्रुव नैना को कार में बैठाकर ड्राइवर सीट की ओर बढ़ा कि तभी नैना पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। आगे बढ़ता हुआ ध्रुव ये देख थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो पीछे मुड़कर नैना की तरफ देखता है जिसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखते ही वो उसे वापस अपनी गोद में उठाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। सीट पर बैठते ही नैना ध्रुव के सीने को फिर से जकड़ लेती है। इस बार ध्रुव उसे हटाने की कोशिश नहीं करता। डर के कारण नैना का शरीर लगातार कांप रहा था। उसे शांत कराने के लिए वो उसके सर पर हाथ फेरता है। बहुत देर तक नैना ऐसे ही ध्रुव से चिपकी रही और ध्रुव उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए उसके कंधे को सहलाता रहा। जब नैना का कांपना थोड़ा कम हुआ तब ध्रुव ने धीरे से उसके कान में कहा, क्या हमें लेने के लिए किसी को बुला लूं? लेकिन नैना इसका कोई जवाब नहीं देती। डर से पीला पड़ा उसका चेहरा ध्रुव के सीने से और सटता जा रहा था। असल में बचपन में नैना को किसी बिल्ली ने काट कर बुरी तरह घायल कर दिया था। तब से उसके मन में बिल्लियों के लिए एक डर बैठ गया था। ये बात उसके घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता थी। आज हॉस्पिटल में वो अकेली पड़ गई थी तभी इतनी सारी बिल्लियों ने उसे घेर लिया, जिससे उसका बचपन का डर फिर वापस आ गया था। अब वे सारी बिल्लियां जा चुकी थी लेकिन नैना डर से अभी भी कांप रही थी। वो ध्रुव को अपने पास से एक इंच दूर भी नहीं जाने देना चाहती थी। खाली गाड़ी में बैठे काफी देर हो गई थी। ध्रुव ने एक हाथ से फोन निकालकर रतनलाल को कॉल किया, फिर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वापस फोन रख लिया। कुछ ही देर में रतनलाल वहां पहुंचकर उन्हें पिक कर लेता है। अपनी ऑफिस बिल्डिंग पहुंचते ही ध्रुव नैना को ऑफिस के लाउंज में लेकर जाता है। नैना को बेड पर लिटाकर ध्रुव खड़ा हुआ ही था कि वो वापस उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। नैना तुम अभी आराम करो, मैं यही हूँ, ध्रुव पीछे मुड़ता हुआ कहता है। लेकिन नैना बिना बोले ही उसे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में अकेलापन झलक रहा था। ध्रुव चुपचाप उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लेता है। न जाने कितनी देर तक डर के मारे नैना ध्रुव को जाने के लिए मना करती रही। डर के मारे वो मन में कुछ न कुछ बोले जा रही थी। ध्रुव के उसे सहलाने के बाद ही वो शांत होती। काफी देर तक यही सिलसिला चलने के बाद आखिर नैना की आंख लग जाती है। ध्रुव धीरे से उसके सर को तकिए पर रखकर
उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और हल्के कदमों से बाथरूम में निकल जाता है। बाथरूम से नहाने के बाद वो वापस लाउंज में आता है और बेड के सामने रखे सोफे पर बैठ जाता है। वो सामने बैठी नैना को सोते देख रहा था, जिसके चेहरे पर अभी भी डर के भाव थे, जैसे उसके सामने ही सब कुछ हो रहा हो। ये सब देखकर ध्रुव मन में सोच रहा था कि नैना बिल्लियों से इतना डरती है और उसे अभी तक ये बात पता ही नहीं थी। अगली सुबह जब नैना उठी तो उसका शरीर तप रहा था। उसे तेज बुखार देखकर ध्रुव को चिंता होने लगती है। उसने सोचा नहीं था नैना का डर इतना अंदर बैठ जाएगा कि उसे फीवर हो जाएगा। वो तुरंत रतनलाल को भेजकर डॉक्टर को बुलवाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे सलाइन बॉटल्स लगाता है और कुछ दवाएं देता है। डॉक्टर जा चुका था, अब बारी थी मिष्टी की। ध्रुव मिष्टी को नैना के पास ले आता है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। मिष्टी का काम न केवल नैना का माथा छूकर उसका फीवर चेक करने का था, बल्कि उसे टाइम से दवाएं देना भी था। दोपहर हो चुकी थी, बॉटल खत्म होने को थी। ध्रुव ने बॉटल को हटाया और नैना को चेक किया, लेकिन अभी भी नैना का बुखार ज्यों का त्यों ही था, बल्कि अब नैना ने अपने मन में बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। ये देखकर ध्रुव को अब चिंता होने लगी थी। वो सब काम छोड़कर अब नैना के पास ही बैठ गया था। अब वो एक पल भी नैना से दूर नहीं जाना चाहता था। शाम के 7 बज रहे थे, नैना की आंख अचानक खुल गई। कमरे में एक हल्का लैंप कुछ कुछ अंधेरे को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। नैना ने उठने की कोशिश की, लेकिन बुखार की वजह से उसका पूरा शरीर टूट रहा था। जैसे तैसे वो आधा टिक कर बैठती है। आसपास का माहौल देखकर उसे समझ आता है कि ये तो ध्रुव का लाउंज है। कुछ देर खुद को संभालने के बाद उसे याद आता है कि कल शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसे कॉरिडोर में बहुत सी बिल्लियों ने घेर लिया था। इतनी सारी बिल्लियों को देखकर डर के मारे उसकी चीख निकल गई। तब ध्रुव उसकी चीख सुनकर उसे बचाने आया था और उसे वहां से निकालकर ले गया था। नैना बेड से खड़ी होने वाली ही थी कि उसे अपने बाजू में मिष्टी दिखाई देती है, जो स्टोरी बुक में डूबी हुई थी। मिष्टी, मम्मा आप जाग गई? अपनी स्टोरी बुक को नीचे रखकर बेड पर आती हुई मिष्टी कहती है। बेटा, मम्मा कितनी देर से सो रही थी? नैना ने उसे अपने पास बुलाते हुए पूछा। मिष्टी जल्दी से नैना के ऊपर बैठकर ध्रुव की तरह उसके माथे को छूती है और उसके पास जाकर कहती है, मम्मा आपको फीवर है, आप बहुत देर से सो रही हो, कल से। मिष्टी की बात नैना को कुछ अजीब लगी। क्या उसको सच में बुखार है? वो धीरे से अपने हाथ से माथे को छूती है, जो सच में गर्म था। तब नैना को पता चलता है कि कल डर के कारण उसे बुखार आ गया था, इसलिए वो कल से सो रही थी। बेटा, अच्छे अंकल कहाँ हैं? मम्मा आप सो रही थी, अभी अच्छे अंकल बाहर है, शायद उनकी कोई मीटिंग है। अच्छा, उसकी मीटिंग है? इसका मतलब वो काम में बिजी है। अगर वो काम में बिजी है तो कल से मेरे पास कैसे था? वो सच में जाग गई है या ये सपना है? ये सोचकर कुछ पल के लिए नैना का दिमाग जाम हो गया। तभी उसकी नजर गोद में बैठी मिष्टी पर पड़ती है। मिष्टी बेटा, तुम कब से मम्मा के पास हो? अच्छे अंकल कितनी देर पहले गए थे? मैं तो बहुत देर से यहीं हूँ, लेकिन मुझसे पहले अच्छे अंकल यहाँ थे। वो तो मेरे से पहले आपके पास थे, वही मुझे यहाँ लेकर आए। मिष्टी ने ध्रुव की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा। इसका मतलब वो कल रात से ही मेरे पास था? नैना शॉक्ड थी, उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ध्रुव कल से ही उसकी देखभाल कर रहा था। नैना अपने ख्यालों में खोई थी, तभी लाउंज का दरवाजा खुलता है, जिससे ध्रुव अंदर आता है। तुम जाग गई? ध्रुव को देखते ही नैना का सर नीचे हो जाता है। रात को वो ध्रुव के सामने पहली बार इस तरह रोई थी। कहीं ऐसा तो नहीं, ध्रुव ये सोच रहा है कि मैंने जानबूझकर ऐसा तो नहीं किया? वहीं अंदर आते ही नैना का सर नीचे करने से ध्रुव को लगता है कि नैना को अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा। वो तेजी से उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या हुआ, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा क्या? डॉक्टर को बुला दूं? नैना अपना सर नीचे किए बैठी थी। उसे पता ही नहीं चला ध्रुव कब उसके पास आकर खड़ा हो गया। अचानक से उसकी आवाज सुनकर वो ऊपर देखती है।
अपनी गहरी आंखों से ध्रुव उसकी तरफ देख रहा था, जिसे देखकर वो कुछ शर्मा जाती है। ध्रुव के इतने पास होने से उसका चेहरा नैना की आंखों में चमक रहा था। ध्रुव के हैंडसम फेस पर इस वक्त उसके लिए चिंता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कहना चाहता हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ नैना का कुछ भी न बोलना ध्रुव के लिए परेशानी वाली बात बनता जा रहा था। उसे लगा नैना को कल के हादसे के बाद से सदमा तो नहीं लग गया। वो उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए धीरे से झुककर नैना के माथे पर अपना माथा टिकाता हुआ कहता है, क्या देख रही हो? वो बिल्लियां कब की जा चुकी हैं, तुम अब सेफ हो। ध्रुव की ये हरकत से नैना की हवा टाइट हो जाती है। उससे पहले ही कुछ नहीं बोला जा रहा था, अब ध्रुव का उसके इतने पास आने से उसकी जुबान तो जैसे उसके पेट में चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब सच में हो रहा है या बुखार के कारण वो अभी भी भ्रम में है। ध्रुव कुछ सेकंड नैना के इतने पास रहकर उसकी तेज सांस महसूस कर रहा था। अचानक वो अपनी आंखें खोलकर नैना की तरफ देखता है, जिसका चेहरा किसी टमाटर जैसे लाल हो रहा था। वो एकटक उसे देख रही थी। ध्रुव की आंखें खोलते ही उसका लाल चेहरा और लाल हो जाता है। वो अपनी नजरें जमीन में गढ़ा देती है। नैना का ये हाल देखकर ध्रुव समझ जाता है कि उसे शर्म आ रही है, इसका मतलब उसे होश आ गया है। नैना को होश तो आ गया था, मगर वो कल के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी। ध्रुव सोच रहा था, हो न हो बिल्लियों से जुड़ा कुछ तो होगा जो नैना इतनी डर गई थी। इस वक्त वो उससे इस बारे में कुछ नहीं कह पाया, मगर क्या वो इस राज को जान पाएगा? क्या नैना ध्रुव से इतनी कंफर्टेबल हो पाएगी कि वो उसे खुलकर सब बता सके? क्या सच में कोई राज है जो ध्रुव का जानना जरूरी है? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम के साथ। थोड़ी ही देर में ध्रुव को बाहर ऑफिस से रतनलाल की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर वो नैना से बात करते करते बीच में बाहर चला गया। रतनलाल को कुछ पेपर पर ध्रुव के साइन चाहिए थे। उन्हें साइन करवाकर जैसे ही वो लाउंज में अंदर आने के बारे में सोचने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि नैना शायद अभी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही है। इसलिए वो जल्दी से लाउंज की तरफ आ गया और फिर बेड के पास आकर नैना की तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या तुम्हें अभी भी ठीक महसूस नहीं हो रहा है? नैना जो अभी कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद करके लेट गई थी, अचानक ही ध्रुव की आवाज सुनकर आंखें खोलकर उसे ऊपर की तरफ देखने लगती है। वो देखती है कि ध्रुव का हैंडसम फेस उसकी तरफ ही देख रहा है। वो सोचती है कि ये इतना खूबसूरत चेहरा है कि कोई भी पहली नजर में इसके प्यार में पड़ जाए। वो सोचने लगी कि ध्रुव जरूर उसकी चिंता कर रहा होगा। जिस तरीके से ध्रुव ने फिक्र करते हुए नैना से पूछा था, उस सदा पर नैना फिदा हो चुकी थी। थोड़ी देर तक नैना जब कुछ भी नहीं बोली तो वो परेशान हो गया। फिर परेशान होते हुए उसने जल्दी से नैना के माथे पर हाथ लगाते हुए दोबारा देखा कि कहीं उसे अभी भी बुखार तो नहीं। ध्रुव के हाथों का एहसास होते ही नैना तुरंत अपने होश में आई। उसके छू लेने भर से नैना का बदन सिहर उठा था। इस वक्त ध्रुव ने उसके माथे को ऐसे छुआ था जैसे वो उसकी स्किन को छूकर कुछ और ही महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे के भाव देखकर कुछ समय के लिए नैना हैरान हो गई। वहीं ध्रुव को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि नैना इस तरह झिझक क्यों रही है। उसने तो बस उसके माथे पर हाथ रखकर ही देखा है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं। थोड़ी ही देर में उसके शर्माते हुए चेहरे को देखकर ध्रुव समझ गया कि जरूर नैना इस वक्त कुछ और ही सोच रही है, और थोड़ी ही देर में दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए। उन दोनों को कहीं खोया हुआ देखकर नन्ही मिष्टी ध्रुव के पास आई और उसके हाथ को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अच्छे अंकल, मुझे स्कूल से ड्राइंग का प्रोजेक्ट मिला है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ध्रुव ने नन्ही मिष्टी की तरफ देखा और तुरंत अपने घुटनों पर बैठते हुए मिष्टी के फूले गोरे गालों पर अपने हाथों को फेरते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो। ये बोलते हुए ध्रुव मिष्टी का हाथ पकड़कर लाउंज से ऑफिस की तरफ आ गया
और वो लगातार बातें कर रहा था। पता है मिष्टी, जब मैं छोटा था तो मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करता था। जैसे ही वो बाहर गया उसे कुछ याद आया और वो वापस लाउंज जाकर दरवाजे पर ही खड़े होकर नैना से पूछने लगा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने लंच ऑफिस ही मंगवा लिया है। हाँ। ध्रुव फिर थोड़ी देर के बाद वापस मिष्टी के पास आया और उसे कॉफी टेबल की चेयर पर बैठा दिया। फिर उसने मिष्टी के बैकपैक को देखना शुरू किया। फिर उसके बैकपैक से कुछ चीजें निकालकर टेबल पर रख दी। ड्राइंग करने के सारे इंतजाम करने के बाद ध्रुव मिष्टी को टेबल पर ले आया और फिर उसने वहां रखे लंच बॉक्स को टेबल पर खोलकर सजा दिया। खाने में नैना के लिए उसने नमकीन दलिया मंगवाया था और साथ ही पार्कव्यू रेस्टोरेंट की स्पेशल डिशेस भी थी। सारा खाना नैना और मिष्टी के पसंद का ही था। ये देखकर नैना बहुत खुश हो गई। नैना के चेयर पर बैठते ही ध्रुव ने एक प्लेट में थोड़ा सा दलिया, सूप और कुछ सलाद रखते हुए नैना की तरफ प्लेट खिसका दी। आज तुम कुछ हल्का फुल्का ही खाओ। प्लेट को अपनी तरफ लेने के लिए नैना ने जैसे ही हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो उसे अंदर से कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर भी बड़े हल्के से उसने प्लेट को धीरे धीरे अपने पास सरकाया। ध्रुव नैना की हरकतों को देख रहा था। उसे ढीला और कमजोर देखते हुए ध्रुव तुरंत अपनी चेयर से उठा और नैना से पूछा, क्या हुआ, कोई बात है क्या? ये बोलते हुए ध्रुव नैना के पास आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी चेयर को नैना के बिल्कुल पास सरका ली और वहीं बैठ गया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खाती हूँ। इतना कहकर नैना ने धीरे से चम्मच में दलिया लिया और अपने मुंह के पास लाने की कोशिश करने लगी। तभी ध्रुव ने उसके हाथों को संभालते हुए उसे खिलाने में मदद की। पहली चम्मच ही जब मुंह में गई तो नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। ध्रुव को समझ नहीं आया कि उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद नैना को दलिया खाना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ये दलिया छोड़ दो, कुछ और खा लो। देखो, मैंने मिष्टी के लिए मोमोज और सोया कटलेट मंगवाई है, तो उन्हें भी ट्राई कर सकती हो। ये बोलकर जब ध्रुव ने मिष्टी को देखा तो मिष्टी भी अपने हाथों से अच्छे से खा नहीं पा रही थी। वो तुरंत अपनी चेयर से उठकर मिष्टी के पास गया और फिर खड़े खड़े ही उसे धीरे धीरे खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर बाद पलटकर जब उसने नैना की प्लेट को देखा तो नैना पहले ही अपने दलिये को खत्म कर चुकी थी। ये देखकर वो हल्के से मुस्कुराया और फिर मिष्टी की तरफ देखते हुए पूछा, मिष्टी, क्या तुम कुछ और खाओगी? ये सुनकर मिष्टी ने अपने पेट पर हाथ फेरा और प्यारा सा फेस बनाकर अपने सर को ना में हिलाया। अंकल, मेरा पेट भर गया है, आप भी अपना लंच फिनिश करो, क्या मैं आपको खिलाऊं? मिष्टी की प्यार भरी बातें सुनकर ध्रुव का दिल पिघल गया। मैं लंच कर लूंगा, आप जाओ और जल्दी से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करो। मैं अभी लंच करके आपके पास आता हूँ और फिर मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। मिष्टी ये सुनकर चुपचाप अपनी कॉफी टेबल पर रखे बैग के पास चली गई। वहीं नैना अभी भी ध्रुव को कंपनी देने के लिए उसके साथ ही बैठी रही। इस वक्त वहाँ एकदम शांति हो गई थी। ध्रुव धीरे धीरे अपने लंच को पैक करने लगा और फिर सारा लंच वापस पैक करके उसने रतनलाल को आवाज लगाई। रतनलाल एक क्लीनर के साथ आया और उसने टेबल को साफ करवा दिया। तभी ध्रुव उठकर बाथरूम में गया और फिर हाथ क्लीन करके वापस आ गया। जब वो वापस आया तो नैना चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। उसे अपने आप में खोया हुआ देखकर ध्रुव मिष्टी के पास चला गया और फिर उसके पास ही जाकर उसकी ड्राइंग को देखने लगा। मिष्टी, यहाँ तो सफेद कलर ही रहना चाहिए था। नहीं अंकल, यहाँ मुझे पिंक ही करना है। मिष्टी ने घास के कलर को गुलाबी कर दिया था और ये देखकर ध्रुव हंसे बिना नहीं रहा। फिर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और चुपचाप अपनी टेबल पर जाकर बैठ गया। उसके सामने ऑफिस की कुछ फाइल्स रखी थी जिसे उसे कंप्लीट करना था। वहीं नैना ने ध्रुव को जब पेंटिंग देखकर हंसते हुए देखा तो वो तुरंत मिष्टी के पास सरकी और फिर उसकी पेंटिंग को देखने की कोशिश करने लगी। मिष्टी की पेंटिंग में मिष्टी ने तीन लोगों को ड्रॉ किया था। वो एक गार्डन में थे और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। नैना को गौर से देखने पर पता चला कि बेंच पर एक आदमी एक बच्ची को पकड़कर बैठा है और उनके पीछे एक औरत खड़ी है। इस पेंटिंग को देखकर नैना सोच में पड़ गई। वो सोच रही थी
कि आखिर मिष्टी ने क्या बनाने की कोशिश की है। उसे जैसे ही समझ में आया तो उसने अपने निचले होठों को काटते हुए ध्रुव की तरफ देखा और सोचा, क्या ये ध्रुव है? इस वक्त ये बात सिर्फ नैना ही समझ पाई थी कि मिष्टी आखिर क्या बनाने की कोशिश कर रही है। उसे आज मिष्टी की सोच पर नाज हो रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल होने लगी और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने जल्दी से ध्रुव और मिष्टी को देखा, वो दोनों अपने कामों में बिजी थे, इसलिए वो चुपचाप उठी और बाथरूम में चली गई। वहीं ध्रुव ने जैसे ही नैना को भागकर बाथरूम में जाते देखा, वो उठकर सीधा मिष्टी के पास आ गया। मिष्टी, तुमने क्या बनाया है, मुझे भी दिखाओ। ध्रुव के सवाल को सुनकर मिष्टी ने जल्दी से अपने हाथों में ली हुई पेंटिंग को उठाते हुए ध्रुव की तरफ मोड़ दिया। मैंने ये बनाया है। ध्रुव ने देखा कि मिष्टी ने तीन लोगों को पेंट किया है। शायद उसके दिमाग में पेंटिंग करते वक्त अपनी फैमिली का ख्याल आया होगा, इसलिए उसने नैना और गौतम और अपने आप को इस पेंटिंग में ड्रॉ किया है। मिष्टी की फैमिली, ये ख्याल आते ही ध्रुव की आंखें जम गईं। उसके दिल में एक जोर का दर्द हुआ, जैसे उसका दिल डूबा जा रहा हो। तभी ध्रुव की तरफ ध्यान देते हुए मिष्टी ने उसके कोट को खींचते हुए अपने पास बुलाया और फिर धीरे से उसके कान में कहा, अच्छे अंकल, मुझे बताइए ये कौन कौन है। ध्रुव जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया और फिर पास ही रखे पानी के गिलास से पानी पीकर गला साफ करते हुए उसने कहा, ये नन्ही मिष्टी की मम्मा और मिष्टी की ड्राइंग है। और कौन है इसमें अच्छे अंकल? नन्ही मिष्टी को पूरा जवाब चाहिए था, इसलिए उसने ध्रुव से दोबारा पूछा। इस वक्त ध्रुव एक परेशानी में पड़ गया था। आखिर वो मिष्टी की एक्सपेक्टेशन के विपरीत कैसे बोल सकता था। उसने नन्ही मिष्टी के प्यारे से चेहरे की तरफ देखा और उसके गाल पर थपथपाते हुए हल्के से दर्द के साथ कहा, ये तुम्हारे गौतम अंकल हैं। ये सुनते ही मिष्टी का शैतानी से भरा खिलखिलाता चेहरा एकदम से ढल गया। उसने पेंटिंग की तरफ देखा और कहा, आपने गलत बताया। मिष्टी नहीं चाहती थी कि वो ध्रुव को सीधा नाम बता दे, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने गलत गैस किया है। मिष्टी की बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। क्या कहा, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये गौतम नहीं? अभी वो सोच ही रहा था कि तभी मिष्टी ने कहा, ये डैडी है, मेरे डैडी। ये सुनते ही ध्रुव का दिल फिर से टूट गया। उसे लगा कि शायद मिष्टी गौतम को डैडी ही बुलवाना चाहती थी। तभी मिष्टी ने दोबारा ध्रुव की तरफ देखा और कहा, आपकी दादी बिल्कुल सही कहती थी, आप सच में बुद्धू हैं। क्या आप अपने आप को इस पेंटिंग में पहचान नहीं पाए हैं? नन्ही मिष्टी की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मिष्टी ने इस फैमिली पेंटिंग में उसे ड्रॉ किया था? ध्रुव ने फिर से अपने पास रखे ग्लास से पानी पिया और फिर अपने पसीने को पोंछते हुए मिष्टी से दोबारा पूछा, तुमने क्या कहा मिष्टी, ये मैं हूँ? हाँ, ये आप, मेरे अच्छे अंकल। इस बार मिष्टी ने सीरियस होते हुए ध्रुव की तरफ देखकर कहा, आपको पता है मेरी नन्ही जान, ये सुनकर आपके अच्छे अंकल आज कितने खुश हैं। ये सुनकर ध्रुव की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी से मिष्टी को अपनी गोद में उठाया और गोल गोल खुशी से घूमने लगा। मिष्टी भी उसकी गोद में जोर जोर से खिलखिला रही थी। वहीं ध्रुव ने जैसे ही नैना को बाथरूम से बाहर आया देखा तो वो एकदम से रुक गया और उसने मिष्टी को गोद से उतारते हुए पलटकर कहा, अरे तुम बाहर भी आ गई। ये बोलते हुए ध्रुव कुछ डरा हुआ था और अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से बात पलटते हुए कहा, वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी देखना है, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही वो डेस्क की तरफ मुड़ने लगा तो नैना ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट। नैना आखिर क्या कहना चाहती थी ध्रुव से? क्या उसने ध्रुव को ये राज बताने का फैसला कर लिया था? क्या वो हिम्मत कर पाएगी ध्रुव से सच्चाई बताने के लिए कि वो मिष्टी का पिता है? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट FM के साथ। नैना की आवाज सुनकर ही तुरंत ध्रुव के पैर जमीन पर ही जम गए। तभी नैना दो कदम आगे बढ़ी और ध्रुव के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई।
उसने अपने हाथों को उठाया और ध्रुव की कॉलर को ठीक करते हुए कहा, जब तुम मिष्टी को लेकर खड़े थे तो उसके गले लगने की वजह से कॉलर मुड़ गई है, इन्हें ठीक कर लो। उसकी सांसें बहुत ही धीमी चल रही थीं और नैना के परफ्यूम की खुशबू ध्रुव की नाक में घुसी जा रही थी। ये खुशबू किसी आम औरत की नहीं थी, ये एक यूनिक स्मेल थी जो ध्रुव की फेवरेट है। ये ठीक हो गई। जैसे ही उसने कॉलर को ठीक कर दिया तो वो पीछे हट गई। ध्रुव ने भी चुपचाप अपना सर नीचे किया और अपने डेस्क की तरफ जाकर बैठ गया। वो सोच रहा था कि कहीं नैना ने उसे मिष्टी के मुंह से अपना नाम लेते तो नहीं सुन लिया। वहीं नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं मिष्टी ने उसे पिक्चर में ध्रुव का नाम तो नहीं बोल दिया। तभी नैना मिष्टी के पास आई। मिष्टी, चलो मुंह हाथ धोकर जल्दी से सो जाओ, आज मेरी वजह से हमने लंच भी डिनर के वक्त किया है। मिष्टी को बेड पर सुलाने के बाद नैना चुपचाप लाउंज में आई और फिर ऑफिस में ही आकर उसके सामने सोफे पर बैठ गई। उसने देखा कि ध्रुव अभी भी डॉक्यूमेंट्स पर ही अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठा है। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए सोफे के साइड टेबल पर पड़ी मैगजीन को उठाकर उसे पलटने लगी। ध्रुव को अपने काम में बिजी देखकर नैना चोरी चुप के ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव कभी अपनी भौहें उठाता तो कभी सिकोड़ता और कभी किसी किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करता। ये सारी हरकतें नैना को ध्रुव की तरफ और भी ज्यादा खींच रही थी। वो अपनी नजर उस पर से हटा ही नहीं पाई। सोफे पर बैठी नैना की नजरें ध्रुव पर ही टिकी थीं। तभी ध्रुव ने अचानक अपने चेहरे को उठाया और फिर नैना की तरफ देखा। उसे एहसास हो गया था कि नैना लगातार उसे ही देख रही है। जैसे ही उन दोनों की नजरें मिली, नैना ने जल्दी से घबराते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। ये देखकर ध्रुव अपनी व्हीलचेयर से उठा और फिर चुपचाप नैना के पास आने लगा। नैना उसे चोरी चुपके देख रही थी और उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इस बात से वो बहुत ही एम्बैरस्ड फील कर रही थी। अब ध्रुव धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और ये सोचकर ही उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। ध्रुव उसके पास आया और सोफे पर बिल्कुल उसके करीब सटकर बैठ गया। ओह शिट, क्या वो बिजी नहीं है? वो मेरे पास क्यों आ रहा है? नैना का ये सोच सोच कर बुरा हाल हो गया। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक ही वो ऐसे उसके पास आकर इतने करीब बैठ जाएगा। फिर ध्रुव ने चुपचाप मैगजीन को उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। नैना ने चोर नजर से एक बार फिर ध्रुव को देखा और सोचा, क्या ध्रुव का काम खत्म हो चुका है? कुछ देर की शांति के बाद नैना ने डरते हुए ध्रुव से पूछा, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? ये सुनकर ध्रुव ने नैना को बिना देखे ही हल्के से कहा, हाँ खत्म हो गया। नैना को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ध्रुव ने जब नैना को अकेले बैठे बोर होते देखा तो वो उसे कंपनी देने के लिए उसके पास आकर बैठ गया था। हालांकि नैना को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो चुप होकर बैठी रही। फिर हिम्मत करके उसने ध्रुव की तरफ देखा। वो कल जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू, शायद मैं डर के कारण कुछ ज्यादा ही रो रही थी। इट्स ओके। ये बोलकर ध्रुव चुपचाप सोफे पर से उठा और जाने लगा। नैना ने उसे जाते हुए देखा तो वो सोचने लगी कि आखिर ये अब जा कहां रहा है और क्या करने वाला है। तभी नैना ने देखा कि ध्रुव चुपचाप वाटर डिस्पेंसर के पास गया और कांच के गिलास में पानी भरने लगा। क्या उसे पानी पीना था? नैना इस बार भी गलत थी। ध्रुव ने नैना के लिए ग्लास में पानी भरा और फिर उसे उसके पास टेबल पर लाकर रख दिया। उसके बाद वो चुपचाप लाउंज में चला गया और फिर कुछ सेकंड के बाद वो वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक बैग था। नैना ने देखा कि वो वापस आकर सोफे पर बैठा और बैग को खोलने लगा। नैना ने देखा उसमें बहुत सारी मेडिसिन रखी हुई थी। दवाई खाने का वक्त हो गया है नैना। ध्रुव ने नैना की दवाइयां निकाली और फिर नैना के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। नैना ध्रुव की इस बात से हैरान रह गई थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने ध्रुव के हाथ से दवाई ली और फिर पास में रखे ग्लास को उठाया और दवाई गटक गई।
ध्रुव फिर बैग लेकर वापस लाउंज में चला गया और फिर एक एक्स्ट्रा कोट के साथ बाहर आया। ठंड हो रही है, इसे पहन लो। ये बोलते हुए ध्रुव ने कोट को नैना के ऊपर डाला और फिर घुटनों पर बैठकर धीरे धीरे कोट के बटन लगाने लगा। ध्रुव को अपने इतने करीब और केयर करते हुए देखकर नैना की आंखें उसके चेहरे पर जम गई थी। ध्रुव अपने इस काम को चुपचाप और सीरियस होकर कर रहा था, जैसे वो कोई जरूरी काम निपटा रहा हो। जैसे ही नैना ने बाजुओं को ठीक करने के लिए हाथ उठाया तो उसका हाथ ध्रुव के चेहरे पर चला गया। ये देखकर ध्रुव अचानक ही बटन लगाते लगाते रुक गया और फिर नैना की तरफ देखने लगा। नैना ने जल्दी से अपने हाथ को ध्रुव के चेहरे से हटा दिया। आखिरी बटन बंद करने के बाद वो उठकर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर की शांति के बाद ध्रुव ने नैना से पूछा, क्या तुम्हें बिल्लियों से डर लगता है? ये सुनते ही नैना का चेहरा मायूस हो गया। वो इस वक्त ध्रुव से इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। वहीं ध्रुव ये सोच रहा था, शायद नैना इस बारे में मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहती है। इसलिए उसने अपने होठों को मुंह के अंदर ही मोड़ा और फिर धीरे से कहा, वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मुझे ये बात पता ही नहीं थी। नैना समझ गई थी कि ध्रुव आखिर क्या पूछना चाह रहा है, इसलिए उसकी आंखें काली पड़ गईं। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, इससे जुड़ा एक किस्सा है। जब मैं छोटी थी तो मैं घर पर अकेली ही रहती थी। मम्मी ने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बाहर काम करना शुरू किया। ये बोलते हुए नैना रुक गई। फिर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने आगे कहा, तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला है। जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे पालने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो रोज मुझे घर में लॉक करके चली जाती थी और शाम को काम से लौटकर ही ताला खोलती थी। एक दिन अचानक खिड़की से एक बिल्ली आ गई और मुझे भागने की जगह ही नहीं मिली। उस बिल्ली ने मुझ पर हमला किया था और मुझे काट लिया था, जिसकी वजह से मैं आज तक बिल्लियों से डरती हूँ। नैना बहुत धीरे धीरे ये बात ध्रुव को बता रही थी, जैसे वो किसी छोटी सी चीज की बात कर रही हो जो कोई मायने ही नहीं रखती हो। ये बताते बताते उसकी बॉडी कांपने लगी। वो बाहर से कितनी भी कोशिश करे मगर अंदर से उसके अंदर डर अभी भी बैठा हुआ था, जिसे सोचकर ही वो कांपने लगती थी। ध्रुव उसके डर और बातों से समझ गया था कि बिल्ली का काटना उस दिन उसके लिए नॉर्मल नहीं रहा होगा, नहीं तो आज तक वो बिल्ली का डर नैना का पीछा नहीं करता। जैसे ही उसने नैना को कांपते हुए देखा तो वो जल्दी से सोफे पर सरकते हुए उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। कल रात की तरह ही आज भी वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे वो नैना के बालों पर तो कभी उसके पीठ पर हाथ फेरने लगा था, ताकि वो उस डर को अपने अंदर से निकाल सके। नैना भी ध्रुव की गोद में सर रखकर सोफे पर लेट गई। उसे ध्रुव की केयर करना बहुत पसंद आ रहा था। थोड़ी देर हो जाने के बाद ध्रुव ने धीरे से नैना से कहा, रात के करीब 12 बज रहे हैं, क्या तुम अब आराम से बिस्तर पर सोने जाओगी? नैना तुरंत उठकर बैठ गई और फिर सोफे से उठकर जाने लगी। जैसे ही वो उठी, ध्रुव ने उसकी कलाई पकड़कर अपने पास खींच लिया। इस वजह से नैना अचानक ध्रुव की गोद में आकर गिरी और उसकी बाहें ध्रुव के गले पर लिपट गईं। फिर ध्रुव ने चुपचाप नैना को गोद में उठाया और उसके चेहरे के पास जाकर हल्की सी स्माइल दी। फिर धीरे धीरे नैना को लाउंज में पड़े बेड के पास ले आया और फिर उसे लिटाते हुए कहा, जल्दी से सो जाओ। नैना को लिटाने के बाद ध्रुव ने उस पर ब्लैंकेट उड़ा दिया और फिर चुपचाप लाउंज से बाहर आ गया। जब नैना ने उसे लाउंज से बाहर जाते हुए देखा तो फिर अपनी बॉडी पर अच्छे से ब्लैंकेट को लपेटते हुए शर्माकर कंबल में अंदर ही छुप गई। नैना को बिस्तर पर लिटाने के बाद ध्रुव वापस ऑफिस में आया। उसे अभी भी कुछ काम था, इसलिए वो चुपचाप अपने डेस्क के पास गया और फिर डॉक्यूमेंट्स को देखने लगा। लगभग 2 घंटे तक काम करने के बाद वो उठकर बाथरूम में चला गया। फिर वो वापस आया और लाउंज में सोफे पर आकर लेट गया। सुबह जब नैना उठी
तो उसने देखा कि ध्रुव सोफे पर ही अपने पजामे में सो रहा है और उसने ठंड से बचने के लिए कुछ भी ओढ़ नहीं रखा है। वो जल्दी से लाउंज में बने कैबिनेट के पास चली गई और फिर कैबिनेट में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट को ढूंढने लगी। जब वो एक ब्लैंकेट को निकाल ही रही थी तभी अचानक एक गिफ्ट बॉक्स अलमारी से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बॉक्स को देखकर नैना चौंक गई। उसने वापस ब्लैंकेट को बेड पर रखा और फिर उस गिफ्ट बॉक्स को उठाकर कैबिनेट में बिना देखे ही चुपचाप रख दिया। फिर वो ब्लैंकेट उठाकर लाउंज से बाहर आ गई। फिर उसने धीरे से ब्लैंकेट को ध्रुव को ओढ़ा दिया और फिर मिष्टी के पास आकर बैठ गई। जब ध्रुव की नींद खुली तो उसके कानों में मिष्टी और नैना की बातों की आवाज आ रही थी। तभी मिष्टी ने नैना से बोला, अब मुझे जल्दी से बताइए कि मैं ये कैसे लिखूं? कौन सा शब्द मिष्टी? नैना जल्दी से मिष्टी के पास गई और फिर उसकी ड्राइंग बुक में देखते हुए पूछने लगी। तभी मिष्टी ने पेपर पर बनी एक पिक्चर की तरफ उंगली रख कर कहा, मम्मा मिष्टी इनका नाम पेंटिंग में लिखना चाहती है। तभी ये देखकर नैना को हैरानी हो गई। उसने जल्दी से मिष्टी से पूछा, ये तुम्हारी टीचर ने होमवर्क दिया है? नहीं मम्मा, मिष्टी ये खुद बनाना चाहती है। ये सुनकर ही नैना हैरान रह गई। नैना जब कुछ देर तक कुछ नहीं बोली तो मिष्टी ने फिर से उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जल्दी से मुझे बताइए ना कि मैं ये कैसे लिखूं? ठीक है, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर लिखवाती हूँ। ये बोलकर नैना घुटनों पर बैठ गई और फिर मिष्टी के हाथों को पकड़कर धीरे धीरे पेंसिल से उसने हर एक पिक्चर के नीचे नाम लिखा। नैना ने उन तस्वीरों के नीचे आखिर किसका नाम लिखा होगा। वहीं लेटा ध्रुव इस कश्मकश में चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर इस तस्वीर पर नैना ने मिष्टी को किसका नाम लिखने में मदद की। नैना ने इस पर गौतम का नाम लिखा था या फिर ध्रुव का? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम के साथ। रात भर से सोफे पर सो रहे ध्रुव की आंख खुली तो वो दंग रह गया। उसके सामने जो सीन था उसे उसने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। उसके सामने क्या ये सब असल में हो रहा था या फिर वो अभी भी नींद में सपना देख रहा था? ध्रुव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और इस वक्त उसकी नजरें वही सब देख रही थी। वो चुपचाप लेटा ये सब कुछ देख रहा था। उसे डर था अगर ये भ्रम हुआ और वो जरा भी हिला तो ये सब एक पल में टूट जाएगा। असल में वो इसी भ्रम में जीना चाहता था। ध्रुव ने देखा बेड पर बैठी नैना मिष्टी का हाथ पकड़कर उसकी ड्राइंग बुक में ध्रुव का नाम लिखवा रही है। ध्रुव लिखते हुए नैना का शर्माना उसके क्यूट से फेस पर साफ झलक रहा था। ध्रुव का नाम लिखते हुए नैना ने कहा, लो ये हो गया, अब मेरा बच्चा खुश? थैंक यू मम्मा। भले मिष्टी को अभी लिखना ना आता हो लेकिन अपनी ड्राइंग बुक पर ध्रुव का नाम देखकर मिष्टी बहुत खुश थी। कुछ देर उसे ताकने के बाद वो जल्दी से उसे बंद करके बुक को बैग में डाल लेती है। मिष्टी के पीछे बैठी नैना उसे पेंटिंग देखकर खुश होते देख रही थी। नैना सोच रही थी उसने कभी मिष्टी को ध्रुव के बारे में नहीं बताया और फिर वो उससे कितना अटैच्ड है। अगर कभी मिष्टी को सच का पता चलेगा तब तो वो ध्रुव को छोड़ेगी ही नहीं। वो अपने इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी उसकी नजर सोफे पर पड़ती है जहां ध्रुव एकटक उसे देख रहा था। अरे तुम जाग गए? हाँ मैं बस अभी उठा, ध्रुव ने सोफे से उठते हुए कहा। अभी अभी उठे ध्रुव के शरीर में रात काम करने की वजह से आलस भरा हुआ था। रात में लेट सोने की वजह से उसके सर में भी हल्का दर्द था लेकिन इतना सब होते हुए भी उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी जिसे सामने बैठी नैना ताक रही थी। कुछ पल तो वो ध्रुव को देखती ही रह जाती है लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल कर कहती है, जाकर ब्रश कर लो, तब तक मैं मिष्टी और तुम्हारे लिए बाहर से ब्रेकफास्ट ले आती हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, शायद रतनलाल ब्रेकफास्ट यहीं लेकर आ जाएगा। ध्रुव ने अपने सर दर्द को छुपाने के लिए माथे को दबाते हुए कहा।
ये सुनकर नैना हाँ में सर हिलाती है और बिस्तर ठीक करने में जुट जाती है। अपनी जगह पर खड़ा ध्रुव नैना को काम करते देख रहा था। उसे नैना का काम करना पसंद तो ना था, लेकिन वो उससे सेटिस्फाइड भी था, क्योंकि इससे उसे नैना को देखने का मौका जो मिल रहा था। वो उसे घूरने में व्यस्त था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जिससे उसे होश आता है। अपने काम में लगी नैना दरवाजे पर दस्तक सुनकर जैसे ही उस ओर देखती है, उसे सामने ध्रुव दिखाई देता है, जिसकी नजरें उसी पर लगी थी। ये देखते ही नैना का चेहरा लाल हो जाता है। वो काम छोड़कर चुपचाप सीधी खड़ी हो जाती है। इतने प्यार से नैना को देख रहे ध्रुव को दरवाजे की दस्तक ने डिस्टर्ब कर दिया था। वो मुंह बनाता हुआ कहता है, कौन है, अंदर आ जाओ। ध्रुव के परमिशन पाते ही बाहर खड़ा रतनलाल अपने हाथ में ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आता है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मैम, कैसी है मिष्टी बेटा? गुड मॉर्निंग रतनलाल। गुड मॉर्निंग रतनलाल अंकल, नैना और मिष्टी ने रतनलाल का वेलकम करते हुए कहा। वहीं खड़ा ध्रुव उन दोनों को स्माइल के साथ रतनलाल से बोलते हुए देख अंदर से जल रहा था। उसका बस चलता तो अभी रतनलाल को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देता, क्योंकि उन दोनों की स्माइल पर बस उसका हक था। लेकिन उस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रतनलाल से कुछ भी कहने से सामने बैठी दोनों देवियां उसके बारे में उल्टा सोचने लगी तो। इसलिए वो चुपचाप खड़ा रतनलाल को घूर सकता था। ध्रुव कुछ देर उसके जाने का वेट करता रहता है, लेकिन जब रतनलाल बहुत देर तक नहीं गया, तब ध्रुव खुद को रोक नहीं पाया। वो दांत पीसता हुआ उससे कहता है, रतनलाल लगता है आज तुम्हें कोई काम नहीं है। रतनलाल जो मिष्टी के साथ खेलने में व्यस्त हो गया था, ध्रुव के ये शब्द सुनकर उसे होश आता है कि उसकी एंट्री गलत टाइम पर हो गई है। ध्रुव के शब्द तो बड़े सॉफ्ट थे, लेकिन उसके अंदर के मीनिंग को रतनलाल कैसे ना पहचान पाता। वो अपनी गलती छुपाने के लिए हंसता हुआ कहता है, सर मैंने सोचा आपको, नैना मैम और मिश्री को भूख लगी होगी, इसलिए आज जल्दी आ गया। अब जल्दी आ ही गया हूँ तो पुराने काम भी निपटा लूं। हाँ हाँ, पुराने क्या, तुम तो आगे के भी काम निपटा लो, तुम्हें देर हो रही होगी ना, ध्रुव ने रतनलाल को प्यार से देखते हुए कहा। अरे हाँ, मुझे याद आया, एक जरूरी काम तो अभी करना है। ध्रुव के ये शब्द सुनकर रतनलाल कैसे यहाँ रुक सकता था। वो नैना और मिष्टी को बाय कहकर यहाँ से तुरंत निकल जाता है। बेड पर बैठी नैना को रतनलाल का इस तरह भागना देख कुछ समझ नहीं आता। कुछ ही देर पहले तो वो मिष्टी के साथ इतनी मस्ती कर रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ? तब वो रतनलाल को गेट से बाहर जाते देखती है और उसके बाद ध्रुव के चेहरे को ताकती हुई कहती है, रतनलाल को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? कुछ नहीं, उसे कोई काम याद आ गया है बस। तुम और मिष्टी ब्रेकफास्ट शुरू करो, मैं अभी नहा कर आता हूँ। ध्रुव नैना के सवाल का क्या जवाब देता अगर वो कह देता कि उसी की आंखें देखकर रतनलाल यहाँ से खिसक लिया, तो शायद ये सुनकर नैना उससे नाराज हो जाती, इसलिए उसने यहाँ से जाने में ही फायदा समझा। ब्रेकफास्ट के बाद ध्रुव नैना और मिष्टी को लेकर कार से निकल जाता है। कुछ ही देर में हॉस्पिटल सामने था। नैना मिष्टी को गालों पर किस करती हुई कहती है, मेरा बच्चा, अच्छे अंकल तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे, वहाँ ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है, मम्मा शाम को मिलेगी। ओके मेरी प्यारी मम्मा, मिष्टी भी नैना को प्यार करती हुई कहती है। मिष्टी को ढेर सारा दुलार करने के बाद नैना आखिरकार से उतरकर हॉस्पिटल के गेट की तरफ निकल जाती है। लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है। वो वापस कार के पास आकर आगे वाले गेट को नॉक करती है। नॉक सुनकर ध्रुव अपने गेट का शीशा नीचे करता है। नैना ध्रुव के थोड़ा पास जाकर उससे कहती है, अच्छे से ड्राइव करना, ज्यादा तेज चलाने की जरूरत नहीं है। ओके। फिर कुछ सेकंड रुकने के बाद ध्रुव कहता है, 5 बजे तक फ्री होकर मैं फिर तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। नैना धीरे से हाँ में सर हिलाती है और वहां से निकल जाती है। नैना के इशारे से ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसे बाय कहता है और कार आगे बढ़ा देता है। नैना भी वहीं रुककर ध्रुव की कार को जाते हुए देखती रही।
जब कार उसकी आंखों से ओझल हो गई, तब वो वापस हॉस्पिटल के गेट की तरफ बढ़ जाती है। हॉस्पिटल के कैंटीन के बाहर खड़ी एनी ये सब देख रही थी। जब ध्रुव की कार हॉस्पिटल के सामने आई, तभी से उसकी नजर नैना के ऊपर थी। वो कैंटीन में सामान खरीदने के बहाने वहीं खड़ी रहकर नैना को टेढ़ी नजरों से देख रही थी। जब नैना कार से उतरकर वापस ध्रुव के पास गई और उसे कुछ कहा, तभी एनी की नजरें उसके हंसते हुए चेहरे पर थीं। नैना को इस तरह हंसते देख एनी के अंदर आग लग रही थी। उसे लग रहा था कि नैना इतनी खुश होकर किससे बात कर रही है। जरूर इसने किसी नए मुर्गे को फंसाया है, लेकिन उसे नैना और ध्रुव के बारे में जानकारी लेनी थी, इसलिए उसने अपने अंदर की नफरत को छुपाया और भागते हुए नैना के पीछे आ गई। क्या बात है डॉक्टर नैना, आज तो आपकी एंट्री किसी और ही कार से हुई। हाँ वो, एनी की बात सुनकर नैना का चेहरा लाल हो जाता है। वो कुछ हिचकते हुए कहती है। एनी जानती थी नैना इतनी आसानी से कुछ भी कहने वाली नहीं है, इसलिए वो बिना बात घुमाए कहती है, मैम क्या वो आपका नया बॉयफ्रेंड है? क्या नाम है उनका? क्या मुझे उसे बॉयफ्रेंड कहना चाहिए या फिर एक्स हस्बैंड? नैना को समझ नहीं आ रहा था कि एनी को ध्रुव के बारे में क्या कहे। शर्म से वो लाल हो रही थी। उसके मुंह से बस यही निकलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नैना का बिहेवियर अचानक से चेंज होने से एनी बात बदलती हुई कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कुछ देर बाद आपका एक ऑपरेशन भी है। नैना को एनी का जासूसी नेचर समझ नहीं आता। वो चुपचाप उसके साथ अंदर निकल गई। किंडरगार्टन के गेट पर खड़ा ध्रुव मिष्टी को गोद में लेते हुए कहता है, मिष्टी बेटा, कल जो आपने अच्छे अंकल के लिए पेंटिंग बनाई थी, क्या आप मुझे दे सकती हैं? हाँ अभी देती हूँ। ध्रुव की बात सुनकर मिष्टी खुशी से खिल जाती है। अपने बैग से ड्राइंग बुक निकालकर वो ध्रुव की तरफ बढ़ा देती है। ध्रुव उस बुक को लेता हुआ मिष्टी को माथे पर किस करके क्लास में छोड़ देता है। बाय बेटा। बाय बाय अच्छे अंकल। मिष्टी को छोड़कर ध्रुव उस बुक को लेकर वापस कार में आता है और उस पर अपनी उंगलियों को प्यार से सहलाता रहता है। काफी देर तक उस बुक को देखने के बाद ध्रुव उसे अपने ब्रीफकेस में रखकर वहां से निकल जाता है। बाजार में आज काफी हलचल थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त, जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ भाग रहे थे। वहीं साइड में लाइन से लगी कारपेंटर की दुकानों पर बहुत से लोगों की यादें फ्रेम की जा रही थी। तभी ध्रुव की कार वहां आकर रुकी। एक दुकान में एंटर होते ही वहां के आदमी ने ध्रुव का वेलकम करते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ सर? ध्रुव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ फ्रेम कराना है। आइए सर, हम आपको कुछ सैंपल दिखाते हैं। ये कहते हुए शॉपकीपर ध्रुव को अंदर ले जाकर फ्रेम दिखाना शुरू करता है। बहुत से फ्रेम देखने पर भी ध्रुव को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। सामने खड़ा शॉपकीपर ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशन समझ जाता है। शायद वो जान गया था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं जिसे ये सब पसंद आ जाए। वो तुरंत अपनी शॉप का बेस्ट कलेक्शन ध्रुव की तरफ बढ़ाता हुआ कहता है, ये देखिए सर, ये हमारे शॉप का बेस्ट कलेक्शन है, इसमें से आपको जरूर कुछ ना कुछ पसंद आएगा। सामने पड़े फ्रेम की बुक्स में डूबी ध्रुव की नजरें शॉपकीपर की बात सुनते ही उसकी तरफ देखती हैं। वो कुछ रुक कर कहता है, क्या आपके पास यूरोपियन स्टाइल में कुछ मिलेगा? शॉपकीपर स्माइल करता हुआ कहता है, जी सर क्यों नहीं, अभी दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो पास खड़े लड़के को इशारा करता है। लड़का अंदर जाकर एक बड़ी सी कवर की बुक अपने हाथ में लाकर शॉपकीपर को पकड़ा देता है। ये रही सर, इसमें सारे यूरोपियन डिजाइन के इम्पोर्टेड फ्रेम हैं। ऐसे डिजाइन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, आप चेक कर लीजिए। शॉपकीपर ने ध्रुव को वो बड़ी सी बुक हाथ में देते हुए कहा। ध्रुव ने उस बुक को लिया और देखना शुरू किया। काफी देर तक बड़े बड़े पन्ने पलटने के बाद उसे कुछ पसंद आता है। उस फ्रेम पर उंगली रखता हुआ वो शॉपकीपर को इशारा करता है, मुझे ये वाला चाहिए। ध्रुव के उंगली को देखते हुए शॉपकीपर कहता है, यस सर, मैं इस फ्रेम को फाइनल करता हूँ। वैसे आप क्या फ्रेम कराना चाहते हैं सर? मिष्टी की बनाई ड्राइंग
ध्रुव के लिए बेहद कीमती थी, इसलिए वो उसे फ्रेम कराकर रखना चाहता था। लेकिन क्या होगा नैना का रिएक्शन फ्रेम की गई ड्राइंग को देखकर? और क्या इस बीच नैना को फंसाने के लिए एनी चलेगी कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो, सिर्फ पॉकेट एफएम के साथ। ध्रुव ने चुपचाप उस पेंटिंग को ब्रीफकेस में से निकाला और दुकानदार के सामने रखते हुए कहा, ये लीजिए। दुकानदार ने जैसे ही ध्रुव के हाथों में उस पेंटिंग को देखा तो उसके शब्द बोलने से पहले ही रुक गए। वो कुछ भी बोल नहीं पाया। कुछ वक्त तक वो सोचता रहा कि इतनी मामूली सी पेंटिंग को इतने महंगे फ्रेम में सजाने के लिए कौन सोच सकता है। जरूर ये इस पेंटिंग को बनाने वाले बच्चे का पिता ही होगा। तभी पास में खड़ी लड़की जो दुकान के बाकी कामों को देख रही थी ध्रुव के पास आई और उसकी तरफ देखकर कहा, क्या आप इसे ही फ्रेम करवाना चाहते हैं? लड़की इस वक्त बड़े आश्चर्य से ध्रुव से पूछ रही थी। ध्रुव को उसके शब्दों को सुनकर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तो क्या तुम इसे फ्रेम नहीं कर सकती? लड़की जो अभी भी आश्चर्य से ध्रुव को देख रही थी उसने कहा, क्यों नहीं कर सकते, इसे भी फ्रेम किया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। ये सुनते ही ध्रुव अपने पैर पे पैर रखता है और सोफे पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाता है। फिर मैं आपको ट्रबल तो नहीं कर रहा हूँ अगर मैं इसे जल्दी फ्रेम करवाने के लिए बोलूं? लड़की ने ये सुना और कहा, मगर सर इसमें कुछ वक्त लग सकता है। शॉप असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया और खड़ी हो गई। कितना वक्त लगेगा? ध्रुव ने बेचैन होकर पूछा। मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करने में लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। हाँ सर 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? ये सुनकर ध्रुव की भौहें उठ गईं। उसने शांति से जवाब दिया, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करिए। शॉप असिस्टेंट ने कहा, मैंने आपको कम से कम समय ही बताया है सर, मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में काम बिगड़ जाए। ध्रुव ने अपने कोट के बटन खोले और आराम से बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं 2 घंटे इंतजार कर लूंगा, पर याद रखिएगा मेरी पेंटिंग खराब नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट ने ध्रुव की बात सुनी और पेंटिंग को देखा। इतना नखरा, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे वर्ल्ड के फेमस पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई हो। पर वो ये नहीं जानती थी कि ध्रुव की आंखों में ये पेंटिंग किसी वर्ल्ड फेमस पेंटर से कम नहीं थी। सर प्लीज आप पेंटिंग को इस ट्रे में रख दीजिए। ध्रुव उसे देखता है और प्यार से उस पेंटिंग को देखते हुए ट्रे में रख देता है। थोड़ी देर में असिस्टेंट ट्रे को लेकर चली जाती है। ध्रुव के चेहरे पर इस वक्त पेशेंस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। भले ही उसने आज तक न जाने कितने बड़े बड़े केस को देखा हो, कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं को होते देखा होगा, मगर आज तक उसके चेहरे पर इतनी बेसब्री नहीं झलकी थी। पर आज उस पेंटिंग को फ्रेम्ड देखने के लिए वो तड़प रहा था। जब थोड़ा वक्त बीत गया तो ध्रुव के फोन पर रतनलाल का फोन आया। उसने तुरंत बिना सोचे समझे उसके फोन को काट दिया। लगभग 2 घंटे बाद उसके हाथों में फ्रेम था और वो उसे बहुत अच्छे से चेक कर रहा था। जब वो उस फ्रेम को देखकर सैटिस्फाइड हो गया तो उसने पेमेंट की और शॉप से उस फ्रेम को पैक करवाकर बाहर आ गया। स्ट्रीट में आकर पार्क्ड कार का पीछे का दरवाजा खोलकर उस पेंटिंग को उसने पैसेंजर सीट पर रख दिया। फिर दरवाजा बंद करके वो सीधा ड्राइवर सीट पर आ गया। कुछ सोचते हुए उसने कार स्टार्ट की और फिर सीधा एवरशाइन ग्रुप पहुंच गया। जब वो एवरशाइन ग्रुप के बाहर पहुंचा, तभी उसे फिर से रतनलाल का फोन आया। हाँ रतनलाल, क्या हुआ? ध्रुव सर वो मीटिंग। ये बोलते हुए रतनलाल चुप हो गया। तभी उसकी घबराहट को सुनते हुए ध्रुव ने कहा, मैं बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ, नीचे ही हूँ। ये सुनते ही रतनलाल जल्दी से लिफ्ट से नीचे आ गया। उसने देखा कि ध्रुव सर एक फ्रेम्ड पेंटिंग को हाथ में लेकर अंदर रिसेप्शन हॉल में आ रहे हैं। ध्रुव सर, मिस्टर रामानुज आपका कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त रतनलाल ये कहना चाहता था कि क्लाइंट उसका कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं, मगर वो डर की वजह से उसे कुछ और ही बोल गया। अच्छा ठीक है, सुनो ये बैग ऑफिस में भेज दो।
ध्रुव ने रतनलाल की बात सुनी और फिर बैग को रतनलाल को पकड़ाते हुए कहा। फिर वो वहाँ से सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कुछ सोच कर उसने पलट कर फिर कहा, ध्यान से, टूटना नहीं चाहिए। ये क्या था? क्या ध्रुव सर को कोई खजाना हाथ लग गया है? मगर ये तो कोई पेंटिंग के जैसी लगती है। लेकिन ध्रुव सर को पेंटिंग कलेक्शन का शौक कब से हो गया? ये सोचते सोचते रतनलाल ने पेंटिंग पर नजर डालने की कोशिश की। वो जानना चाहता था कि ये पेंटिंग किस फेमस पेंटर ने बनाई है, मगर अभी भी उसे इस पेंटिंग को खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने चुपचाप पेंटिंग को ध्रुव के ऑफिस में पहुंचकर डेस्क पर रख दिया। तभी उसकी नजर पेंटिंग पर चली गई और वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो समझ गया कि इस पेंटिंग को ध्रुव सर की जान उनकी नन्ही मिष्टी के अलावा और कौन बना सकता है। ध्रुव कॉन्फ्रेंस रूम में आज बहुत ही अच्छे मूड में था। मिस्टर रामानुज से बातचीत करने के दौरान वो बहुत ही शांत था और लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहा था, जो कि अक्सर ध्रुव से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ध्रुव के बिहेवियर की वजह से ही रामानुज और बाकी क्लाइंट जो घंटों से उसका इंतजार कर रहे थे, अब उससे खुश दिखने लगे। ध्रुव के चेहरे पर इस वक्त एक जीत की चमक थी, जैसे उसने वो हासिल कर लिया है जिसका वो बहुत समय से वेट कर रहा हो। वहीं उसको खुश देखकर वहां का माहौल ही बदल गया था। कोई नहीं जानता था कि ध्रुव किसी डील के पूरे होने पर खुश है या फिर मिष्टी और नैना को लेकर। वैसे तो हर कोई ध्रुव की एवरशाइन ग्रुप से हाथ मिलाकर काम करने के लिए बेचैन था, मगर कोई भी ध्रुव के अकड़ू बिहेवियर की वजह से उससे हाथ नहीं मिलाता था। वहीं बैठे रामानुज आज पहली बार अपने किसी बिजनेस प्रपोजल को लेकर यहाँ आए थे। ध्रुव को देखकर उन्होंने पूछा, मिस्टर ध्रुव, मुझे लगता है हम अपने कोऑपरेशन को आगे बढ़ाकर अच्छा काम कर पाएंगे। वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे रामानुज ने ध्रुव से खुश होते हुए कहा। ध्रुव ने वैसे तो इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, मगर एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो उठकर हॉल में बने फ्रेंच विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। रामानुज ने जब ध्रुव को अचानक ही उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा देखा तो उसे लगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है। शायद उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर दूर चला गया। रामानुज ने यह सोचते सोचते अपनी भौहें उठा ली। उसके सामने एक बहुत लंबा चौड़ा चौड़ी बाजुओं वाला दमदार पर्सनालिटी का आदमी खड़ा था, जो एक कस्टम मेड सूट पहना हुआ था। हर कोई उसके इस लंबे चौड़े परफेक्ट शरीर के सामने दब्बू और छोटे नजर आ रहे थे। ऊपर से सोने पर सुहागा ये था कि ध्रुव मित्तल एक बहुत बड़े बिजनेस सेक्टर का हेड भी था। वो एक ऐसा आदमी था जो पहले से ही सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ और फिर बाद में अपने ही काम के दम पर उस चम्मच को हीरे से जड़वा चुका था। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे रामानुज को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था कि आखिर क्यों उसकी भतीजी अनामिका उससे शादी करना चाहती है और क्यों चाहती है कि मैं इस काम में उसका साथ दूं। शायद इसलिए वो यहां आया था। वो सोच रहा था कि पहले उसे अपनी भतीजी का इस आदमी से शादी करने का सपना एक बेवकूफी भरा सपना लग रहा था, मगर अब वो रामानुज को बहुत समझदार लग रही थी। अगर उसकी भतीजी सच में ध्रुव के साथ शादी कर ले तो क्या उसका ये रामानुज कश्यप एम्पायर सबसे बड़ा और ताकतवर नहीं हो जाएगा? खासकर जब से उसकी भतीजी ने कहा था कि वो ध्रुव से कुछ एक बार ही मिली थी। रामानुज ने जितना ज्यादा इसके बारे में सोचा, उसको इससे शादी की संभावना उतनी ही अधिक लगने लगी थी। वो सोच रहा था कि हो ना हो, वो इसे बहुत अच्छे से जानती होगी। रामानुज के दिल में लालच का बीज अंकुरित हो गया। उसका हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने हिम्मत करते हुए कहा, डायरेक्टर ध्रुव मित्तल साहब, मुझे खुशी होगी अगर हम साथ में लंच कर सके। ध्रुव जो खिड़की के पास ही खड़ा था, ये सुनकर वो अभी भी नहीं हिला। वो बस अभी भी अपनी खिड़की से नीचे रोड पर भागते लोगों की कहीं जल्दी पहुंचने की हलचल को महसूस कर रहा था। ये देखकर रामानुज मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहा, कोलकाता में पार्क स्ट्रीट में एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है। ऐसा कहा जाता है कि इसका स्वाद पार्क व्यू रेस्टोरेंट के टक्कर का है। ध्रुव ने चाइनीज रेस्टोरेंट शब्द सुनते ही अपनी भौहें उठा ली। जरूर, हम लंच पर चल सकते हैं। ये नया खोला गया था, वो उसका स्वाद चख सकता था।
अगर नैना को ये पसंद आया तो वो उसे और छोटी मिष्टी को रात में खाने के लिए वहीं ले जाएगा। ध्रुव को सहमत देखकर रामानुज बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसने सबको एक अहंकारी नजरों से देखा और खुश होते हुए जाने के लिए खड़ा हो गया। वहीं उन सबको ये नहीं पता था कि ध्रुव खुद को उस रेस्टोरेंट का एक टेस्ट वर्कर मान रहा है। वहीं बाकी सब उस रेस्टोरेंट को रेटिंग देने में उसकी मदद करने वाले हैं। तो फिर चले मिस्टर ध्रुव? ध्रुव ने उदास मन से पहले से इधर उधर देखा, फिर वो घूमा और उसके पीछे चलने लगा। एवरशाइन ग्रुप से बाहर आने के बाद रामानुज ने गेट खोलकर ध्रुव को अपनी कार में बैठने का इशारा किया, मगर ध्रुव आज तक अपनी कार के बिना कहीं गया नहीं था। उसने उसे कहा, आप अपनी कार से चलिए, मैं रतनलाल के साथ आता हूँ। ध्रुव ये कहकर कार में चुपचाप बैठ गया। वहीं रामानुज अपनी कार में बैठा और फिर ड्राइवर को रेस्टोरेंट पर जाने का ऑर्डर देने के बाद उसने अपना फोन निकाला और एक फोन किया। हम रेस्टोरेंट के लिए निकल गए हैं, तुम छुट्टी मांगकर टाइम से वहां पहुंच जाओ और उसे टकराने का नाटक कर सकती हो। मुझे लगता है वो मना नहीं करेगा। इससे पहले वो अपने शब्दों को पूरा कर पाता वो रुक गया, फिर कुछ सुनने के बाद उसने फोन काट दिया। फिर उसने कुछ एक्साइटेड होकर अपने पीछे चल रही ध्रुव की कार को देखा। उसने देखा ध्रुव की कार के पीछे एवरशाइन की पार्किंग से एक के बाद एक दो कारें और निकली। बड़ी बड़ी आलीशान कार का जखीरा सीधा सिटी के सबसे बड़े ओपन हुए रेस्टोरेंट के ठीक सामने आकर रुका। फिर उन कारों में से एक एक करके बड़े बड़े ओहदे के ध्रुव के क्लाइंट्स उतरकर अंदर आ गए। थोड़ी ही देर में उन कार के आगे जाते ही ध्रुव की नेवी ब्लू चमकती ऑडी कार वहां एंटर हुई। ध्रुव जैसे ही उतरने लगा तभी रतनलाल ने पीछे बैठे ध्रुव की तरफ देखा और कहा, ध्रुव सर, मिस्टर हरीश इसके ओनर हैं। ये कल ही ओपन हुआ है और उन्होंने आपको और नैना मैडम को भी इनवाइट किया था। क्योंकि वो थोड़ा बीमार हैं, मैंने उन्हें बस गिफ्ट हैम्पर ही भेज दिए और आपको कुछ बताया नहीं। जैसे ही ध्रुव ने ये सुना तो उसने खिड़की के कांच से ही जहांगीर हाउस को देखा और बिना हिचकिचाए बोला, कोई बात नहीं, हम अभी मिस्टर हरीश को बधाई दे देंगे। ध्रुव को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि ये हरीश का रेस्टोरेंट है। ये सुनते ही रतनलाल झट से कार से उतरकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल देता है। ध्रुव कार से उतरकर अंदर आ जाता है। कार की चाबी वैले पार्किंग में देकर रतनलाल भागता हुआ ध्रुव के पीछे आ जाता है। रामानुज वो इंसान था जो ये चाहता था कि उसकी भतीजी की शादी ध्रुव जैसे इंसान से हो जाए। अगर उसकी भतीजी अनामिका उसे पसंद नहीं करती तो वो खुद उसके लिए ध्रुव को ही पसंद करता। आखिर कौन है ये अनामिका? जब नैना को ये पता चलेगा कि ध्रुव को कोई और भी शिद्दत से चाहता है तो वो क्या करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगर तुम साथ हो पॉकेट एफएम के साथ।